नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। लॉकडाउन लगने के बाद भी रास्तों पर चहल पहल, बेमौसम की बारिश ने किया नुकसान। कर्फ्यू के दौरान घर में रहकर प्रशासन को दे सहयोग, बोले पालक मंत्री। और पैसों को लेकर शमशान भूमि में हुआ विवाद। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीता नगर अकोला। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बुधवार की रात 8 बजे से एक पखवाड़े के लिए अकोला जिले में कर्फ्यू लगाया है। धारा 144 के तहत समूचे राज्य में बुधवार रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक अर्थात 15 दिनों के लिए कड़ी संचार बंदी का ऐलान किया गया था। इस समय अवधि में सार्वजनिक स्थान पर नागरिकों को घूमने पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके तहत सभी आस्थापना दुकान सामाजिक स्थान सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है। जो सेवाएं अत्यावश्यक सेवा में आती है वे सुबह 7 से 8 बजे तक खुली रहेगी। वाहन चालक, घरेलू काम करने वाले कर्मचारियों को और उनके काम की जगह जाने आने के लिए रियायत दी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके शहर के कई रास्तों पर कई नागरिक बिना वजह घूमते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर यही प्रतीत होता है कि लॉकडाउन लगा है या नहीं, या सिर्फ केवल दुकानदारों के लिए, प्रतिष्ठानों के लिए ही लगा है क्या, क्योंकि रोजमर्रा की तरह ही सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। भली दुकानें बंद है पर भीड़ उसी तरह नजर आ रही जिस तरह आम दिनों में नजर आती है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अकोला शहर तथा जिले में बेमौसम बारिश ने दस्तक दी है। तेज हवा के साथ कई स्थानों पर बारिश हुई। हवा की वजह से अकोला शहर में कुछ स्थानों पर पेड़ जमींदोज हुए हैं। इस कारण बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई थी। बारिश की वजह से मौसम में बदलाव आया है। तापमान में भी हल्की सी गिरावट दर्ज की गई है। जिले के तेल्हारा, मूर्तिजापुर, पालापुर, आकुट, बार्शीटाकली तथा पातूर तहसील में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कुछ स्थानों पर बूंदाबूंदी तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई। अकोला जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर बुधवार रात 8 बजे से एक पखवाड़े के लिए अकोला जिले में कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान नागरिक अपने घर में रहकर प्रशासन को सहयोग करें, ऐसी अपील जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश कड़ू ने की है। वे बुधवार को जिलाधिकारी कक्ष में कोरोना संक्रमण के संदर्भ में जिले की स्थिति का जायजा लेने के लिए आयोजित बैठक में मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे। कोविड 19 के संदर्भ में जायजा बैठक में पालक मंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों को वैद्यकीय सेवा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस ओर जिला और स्वास्थ्य विभाग कड़ाई से ध्यान दे, ऑक्सीजन की कमी न पड़े इसलिए हवा से ऑक्सीजन लेने के संदर्भ में जल्दी प्लांट शुरू किया जाएगा, जिससे प्रशासकीय मंजूरी भी मिल चुकी है। जिले के मरीजों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं बेड की कमी नहीं होगी, इस पर भी प्रशासन का लगातार ध्यान जरूरी है। साथ ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में 50 बेड का ICU यूनिट तैयार करने के निर्देश भी पालक मंत्री ने जायजा बैठक में दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, CEO सौरभ कटियार, आयुक्त नीमा अरोरा, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, CS डॉक्टर राजकुमार चौहान, डॉक्टर सुरेश आसोले, RDC प्राध्यापक संजय खड़से, SDO डॉक्टर नीलेश आपार, तहसीलदार विजय लोखंडे की प्रमुखता से उपस्थिति रही। अकोला के मोहता मिल परिसर स्थित शमशान भूमि में जिला अस्पताल से कोरोना बाधित व्यक्ति की शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। शव के साथ उसके परिजन भी शमशान भूमि पर पहुंचे थे। उस वक्त वहां के कार्यकर्ता ने शव को जलाने के लिए लगभग 4,000 रुपए रिश्तेदारों से मांगे। परिजनों के पास इतना पैसा न होने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया और यहाँ खर्चा नहीं लगता ऐसा हमें बताया गया, ऐसा उस कर्मचारी से कहा। इस बीच दोनों के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ गई। रामदासपेट पुलिस कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर दोनों को समझाया और ये मामला निपटाया। शमशान भूमि के कर्मचारी दीपक शिंदे ने बताया कि तुम्हारे पास अभी जितना पैसा उतना दे दो, बाकी का बाद में लाकर दे देना।
रिश्तेदारों ने 2000 रुपए उनको किसी तरह दिए हैं, लेकिन अगर इस तरह पैसे देने पड़ते हैं तो कितने देने पड़ते हैं उसकी रसीद तक वहाँ पर दी नहीं जाती है। कोरोना बाधित शव को अगर जलाने के लिए किसी भी तरह की वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं तो उसकी सूचना वहाँ पर लगानी चाहिए थी, इस तरह का आरोप रिश्तेदारों ने लगाया है। और प्रशासन ने उन्हें बताया था कि वहाँ पर पैसे नहीं लगते हैं, इस तरह प्रशासन ने भी उनकी दिशा भूल की है, इस तरह का आरोप भी रिश्तेदारों ने लगाया है। इनके हिसाब से चला तो इन्होंने हमको 3,950 रुपये देने का बोला, तो हमने ऐसा बोला कि वो हमारे पास में इतने पैसे तो नहीं है, जो है ये ले लो, लेकिन इन्होंने इनके यहाँ के रूल बताया कि इन्होंने बोला कि दवाखाना और स्मशान भूमि इनका कोई भी संबंध नहीं है, ये जो है ये अलग से है। तो फिर उन्होंने ये जो डेड बॉडी हमारे पास में भी नहीं दी, इधर यहाँ भेजी, तो ये यहाँ पे किसके भरोसे पे भेजी, ये कहना चाह रहे हैं हम। बुरगामुंजी पुलिस थाने की सीमा में आने वाले ग्राम टाकली के पास स्थित एक खेत में एक व्यक्ति की लाश मिली थी। इस हत्याकांड की जांच करते हुए स्थानीय अपराध शाखा ने 2 आरोपियों को पकड़कर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायालय ने आरोपियों को 16 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता मीनाक्षी बेलसरे ने दलील दी है कि इस हत्याकांड से जुड़े तथ्यों के अलावा शस्त्र और आरोपियों ने घटना के समय पहने कपड़े जब्त करना है। सरकार पक्ष की ओर से दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपियों को 16 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। घटना की जांच पुलिस उप निरीक्षक ज्ञानेश्वर चौहान कर रहे हैं। गणगौर का पर्व होली के दूसरे दिन से शुरू होकर चैत्र सुदी तीज तक 16 दिन का मनाया जाता है, जिसमें कुंवारी कन्याएं और सुहागिनें माँ पार्वती और शिव जी की इस गणगौर के रूप में पूजा करती है। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए तो सुहागिनें अखंड सुहाग के आशीष के लिए ये व्रत करती है। इस राजस्थान की संस्कृति को याद रखते हुए वृंदावन गार्डन गीतानगर की महिलाओं ने गणगौर का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कोरोना नियमावली का पालन करते हुए मनाया। क्रिकेट प्रेमी एक और क्रिकेट का मजा ले रहे हैं तो दूसरी ओर बुकी मैच पर खायवाड़ी कर लाखों रुपए के वारे नारे कर रहे हैं। मैच पर खायवाड़ी करने के लिए बुकियों ने जिले में गुप्त स्थानों पर मिनी कार्यालय तक खोल रखे हैं। इन कार्यालय तथा बुकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत ने दिए हैं। इस बीच एक गुप्त जानकारी के आधार पर आतंकवाद निरोधक दल प्रमुख विलास पाटिल ने सिविल लाइन पुलिस थाने की सीमा में चल रहे अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दल ने आरोपियों के पास से 35,200 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने अपराध दाखिल किया है। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। लॉकडाउन लगने के बाद भी रास्तों पर चहल पहल, बेमौसम की बारिश ने किया नुकसान, कर्फ्यू के दौरान घर में रहकर प्रशासन को दे सहयोग, बोले पालक मंत्री। पैसों को लेकर शमशान भूमि में हुआ विवाद। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला।